दोस्तों, और एक लूट ट्रिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल घोष ट्रिक में। दोस्तों, आज मैं क्या ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक की मदद से, जी हाँ दोस्तों, जिस ट्रिक की मदद से आपके पास अगर एक मोबाइल नंबर और एक जीमेल आईडी होगा तो दोस्तों आपको 10 से लेकर 20 रुपीज़ के बीच में कुछ भी मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास एक जीमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर होगा तो 10 से लेकर 20 रुपीज़ के बीच में कोई भी फ्री पेटीएम कैश आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देते। तो सबसे पहले वीडियो डिस्क्रिप्शन में इस तरह कोई लिंक मिल जाएगा, तो इस लिंक में आपको क्लिक करना और रिडायरेक्ट कर देगा कुछ इस तरह का ब्राउजर में। तो जैसे इस ब्राउजर में जाते हैं तो सिंपली आपको थोड़ा लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेट करना है। तो सिंपली मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। जैसे जाते हैं यहाँ पे लाएगा find.com की तरफ से, तो बोलेगा दोस्तों यहाँ पे साइन अप गेट मेल एंड दोस्तों 10 से लेकर 24 आवर्स में 10 से लेकर 20 रुपीज़ के कोई भी पेटीएम कैश मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आप इसको अनलिमिटेड ट्रिक भी बताऊंगा और एक ही डिवाइस में आप अनलिमिटेड ट्रिक कर सकते हैं। बट दोस्तों, आपको जो है आपका जो मोबाइल नंबर और दोस्तों जीमेल आईडी को मस्ट वेरीफाई करना होगा, तभी आपको मिलेगा। तो सिंपली आपको सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना जो पेटीएम नंबर है इसको दे देता हूँ। तो सिंपली आपका जो भी पेटीएम नंबर है उसको सबसे पहले ऊपर में दे देना, उसके बाद ऊपर नीचे में अपना जीमेल आईडी देना। सिंपली मैं अपना जीमेल आईडी देकर सिंपली आपको सबमिट में एक बार क्लिक करना है। जैसा सबमिट करता है ये बार रिडायरेक्ट टू दिस साइड ऐसा कुछ आएगा, तो सिंपली थोड़ा आपको यहाँ पे वेट करना है। जैसे थोड़ा वेट कर लेते हैं, यहाँ पे आएगा दोस्तों प्रोकर प्ले प्रोकर ऑनलाइन गेम। सिंपली जैसे यहाँ पे आता है तो दोस्तों बहुत सारे यूज़र को पता होगा कैसे साइन अप करना है। तो सिंपली रजिस्टर के बटन में क्लिक करना और आपको दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके आपको साइन अप कर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर नाम दे देना है, जीमेल आईडी ये सब देकर सिंपली इसको साइन अप कर लेना। तो सिंपली मैं इसको साइन अप कर लेता हूँ। उसके बाद कोई भी एक जीमेल दे देना है, अपना जो डेट ऑफ बर्थ है इस सबको दे देना है। उसके बाद दोस्तों एक अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है। तो सिंपली आपको यहाँ पर मैं सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ जो भी आपका कोई भी एक फेक डिटेल्स दे भी दे सकते हैं दोस्तों। ये नहीं कि आपको एकदम अपना करंटली ईयर देना है और डेट ऑफ बर्थ देना, कोई भी दे सकता है। सिंपली मैं कुछ भी देता हूँ। उसका दोस्तों एक मोबाइल नंबर देना है जो दोस्त इस वेबसाइट में अभी तक रजिस्टर नहीं है, और दोस्तों अगर रजिस्टर होगा तो बोलेगा ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो सिंपली मैं ऐसा कुछ एक नंबर दे, तो सिंपली मोबाइल नंबर देकर गेट ओटीपी आपको क्लिक करना है। जैसे गेट ओटीपी में क्लिक तो नंबर में सक्सेसफुली एक ओटीपी जाएगा। सिंपली उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल देना है। सिंपली मैं डाल लेता हूँ। तो सिंपली जैसे अपना ओटीपी देते हो यहाँ पे दोस्तों ज्वाइन नाउ का बटन आएगा, सिंपली ज्वाइन नाउ में आपको क्लिक कर देना है। सिंपली जैसे ज्वाइन नाउ में क्लिक करते हैं आपको पेज कुछ इस तरह का पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। सिंपली मैं इसको ज्वाइन नाउ में क्लिक करता हूँ, ऐसा कुछ पेज में रिडायरेक्ट कर देगा। तो सिंपली आपको थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा सिंपली थोड़ा वेट करना है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा पेज अगर लोडिंग लेता है तो सिंपली थोड़ा आपको वेट करना है कुछ। उसको दोस्तों इस तरह कुछ आएगा, तो सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में 3 डॉट में क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे माई अकाउंट का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली माई अकाउंट में क्लिक करना है। यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं माई अकाउंट, उसके बाद फिर से आपको माई अकाउंट में एक बार क्लिक करना है। सिंपली माई अकाउंट में दोस्तों माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपली माई जैसे आपका जाते हैं वेरीफाई या डिटेल्स, यहाँ पे सिंपली मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ माई अकाउंट में क्लिक करना है। माई अकाउंट में क्लिक करने के बाद प्रोफाइल में क्लिक करना है, सबसे पहले माई अकाउंट, उसके बाद नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद दोस्तों आएगा यहाँ पे आएगा प्रोफाइल सेक्शन। सिंपली प्रोफाइल सेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे और एक बार आएगा दोस्तों अकाउंट का सेक्शन, सिंपली इसमें आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपके वेरीफाई या जीमेल में, सिंपली यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और आपका जीमेल आईडी में सक्सेसफुली एक जीमेल आ जाएगा। सिंपली इसको इस आपको यहाँ पर खोलना है। तो सिंपली आप जैसे वेरीफाई आप कर देते आप दोस्तों आपको क्या करना है। अब दोस्तों जीमेल में दोस्तों दो तरह का जीमेल है, एक दोस्तों है दोस्तों ईमेल बोल के और दोस्तों एक है जीमेल करके। तो सिंपली आपको जीमेल को खोलना है दोस्तों, ईमेल वाला को नहीं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको फोल्डर में मतलब आने में बहुत लेट करता है। सिंपली ईमेल वाला को खोलना है। तो सिंपली ईमेल वाला को जैसे खोल लेते हैं तो सिंपली आपको थोड़ा लोडिंग लेना है। उसके बाद सिंपली 3 डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो भी जीमेल आईडी था तो सिंपली अपना जो भी जीमेल आईडी था सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों आपको एक देखिएगा कि दोस्तों आपको एक जीमेल आ चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप 3 डॉट में क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों स्पैम पे आना है, स्पैम फोल्डर में जैसे आते हैं तो थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा। आपको देखिएगा दोस्तों एक जीमेल आ चुका है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको एक जीमेल आ जाएगा तो कुछ इस तरह का। दोस्तों थोड़ी देर बाद देखिएगा कि आपको दोस्तों एक जीमेल आ, तो दोस्तों थोड़ी देर बाद मेरा जीमेल जो दोस्तों आ चुका है आपका भी आ जाएगा कुछ इस तरह पॉकेट दंगल बोल के सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली यहाँ पे आना है और दोस्तों अपना जीमेल आईडी को सिंपली इसको वेरीफाई करना है। तो सिंपली जैसे आता है सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन में तो सिंपली थोड़ा वेट करना है आपको। जैसे वेट कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों ऐसा कुछ आएगा तो सिंपली यहाँ पर थोड़ा लोडिंग लेना है। यहाँ पर बोलेगा कि वेरीफाई योर जीमेल, तो एक दोस्तों एक लिंक रहेगा, इस लिंक को क्या करना है यहाँ पे यहाँ पे डॉट क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे थ्रीडोमन क्लिक सिलेक्ट ऑन में क्लिक करना। सिलेक्ट ऑन में जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे दोस्तों और एक डॉट आएगा, इसको क्लिक करके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको क्रोम में इसको ओपन करना है। सिंपली क्रोम का ब्राउजर को आपको ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर में ओपन करने के बाद सर्च बार में इसको सर्च करना है। सर्च बार में दोस्तों जो आप कॉपी किए थे उसको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। सिंपली मैं अपना URL को पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे पेस्ट कर देता आपको दोस्तों इसमें पेस्ट कर देगा और ये दोस्तों सक्सेसफुली आपका जो जीमेल है उसको वेरीफाई कर लेना है। तो सिंपली मैं अपना जीमेल आईडी को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेसन यू हैव एक्टिव सक्सेसफुली। यहाँ पे देख सकते हैं आपका जीमेल सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे सक्सेसफुली जब भी आप लिखा देगा आपका जीमेल दोस्तों वेरीफाई हो चुका। आप दोस्तों आपको 24 आवर्स में दोस्तों, जी हाँ दोस्तों 24 आवर्स में 10 से लेकर 20 रुपीज़ तक कोई भी अमाउंट आपको दोस्तों पेटीएम वॉलेट में मिल जाएगा। और दोस्तों इसका अनलिमिटेड ट्रिक बता दो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों यहाँ पे जो 3 डॉट में दिख रहा
यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करके इंक्लूडिंग टैब में जाना है, इसके दोस्तों वैसे प्रोसेस करना है और फिर से न्यू एक जीमेल आईडी या न्यू फोन नंबर देख कीजिए आपको दोस्तों हर बार दोस्तों 10 से लेकर 20 रुपीज़ की कोई भी पेटीएम कैश मिलेगा। और बता दूँ फ्लाइट मोड को ऑन ऑफ करके कर दीजिएगा, जैसे मैंने लिख के बताया उसको भी करिएगा। सिंपली ऐसा है आपको दोस्तों जितना एक फोन नंबर से आपको जितना हो सके उतना पेटीएम कैश आपको मिलता जाएगा। और दोस्तों इसी तरह का छोटा मोटा ट्रिक पाने के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम में ज्वाइन होना ना भूले, क्योंकि यहीं पे दोस्तों सबसे पहले मैं ट्रिक छोड़ता हूँ और कुछ भी छोटा मोटा लूट अपडेट होता है तो टेलीग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो जल्दी से जाकर दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए और इस ट्रिक का भी लाभ उठाते रहिए। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को वेट कर देना, क्योंकि इस तरह का छोटा मोटा अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।